अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है वो वेडिंग शॉपिंग के रिलेटेड है और हम चाह रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। बाहर बहुत ही गर्मी है और एसी के बगैर बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा, बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है गर्मी की वजह से। हेयर ब्राइडल ड्रेसेस लेने के लिए हम लोग शॉप पर आए हैं और यहाँ पर सारे फैंसी ड्रेस हैं, ठीक है। और अब इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सा ड्रेस जो है ब्राइडल के लिए पसंद आता है और आता भी है या नहीं, तो चेक करते हैं। वैसे इस तरह के फैंसी ड्रेस जो है वो मैं बिल्कुल भी जो है वो नहीं पसंद करती, मैं बिल्कुल डिसेंट से लाइट से कपड़े पहनती हूँ। खैर अब हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो जी देखते हैं जी यहाँ से कुछ पसंद आता भी है या नहीं। अच्छा जी अब दूसरी शॉप पर हम आए हैं और ये है जी चिकनकारी का सूट, साथ इसके पोस्टर्स हैं, थ्री पीस सूट है और इसमें काफ़ी कलर्स, काफ़ी डिज़ाइनिंग है इसमें और ये साथ में इसके पैचेस हैं, इसको चिकनकारी कहते हैं, ये जो इस पर डिज़ाइनिंग बनी हुई है और ये भी तकरीबन जो काफ़ी अच्छा कलर बना हुआ है और जो इसका दुपट्टा है वो काफ़ी फैंसी बना हुआ है, इस पर एम्ब्रॉयडर्ड है सारा दुपट्टा इसका, साथ में पोस्टर्स है। इसमें से पोस्टर में से आप ड्रेस सेलेक्ट करें और आपको इस तरह का ड्रेस जो है जी वो मिल जाएगी। साथ इसमें ये ब्लैक कलर का दिखा रहे हैं, ये भी चिकनकारी है, इसका भी हैवी एम्ब्रॉयडर दुपट्टा है और साथ इसके भी पैचेस हैं। ब्लैक कलर हर एक का फेवरेट होता है, हर एक की अपनी चॉइस होती है, बंदे पर डिपेंड करता है जी के उसने कौन सा जो ड्रेस है वो लेना है। और हम आए हैं अब इस शॉप पर, ये फैंसी ड्रेसेस की शॉप है और ये हमें फर्स्ट ड्रेस जो है दिखा रहे हैं, ये बड़ा ही प्यारा सा कलर है, ये इसकी फ्रंट साइड है और साथ में ये इसके पैचेस हैं, पैनल्स हैं, ये सारे जो है वो स्क्रॉल होकर लगेंगे मशीन पर। और इसका इसके साथ रेड कलर का दुपट्टा है और साथ में उसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी है दुपट्टे की, ठीक है। ये साथ में पैनल है इसका, ये भी बड़ा प्यारा कलर है। इसमें तीन चार कलर थे लेकिन दुपट्टे जो थे इनके वो एक ही कलर के थे। खैर इन्होंने ब्राइडल के लिए ये ड्रेस पसंद किया है और इसकी प्राइस है 10,500। और भी काफ़ी डिज़ाइनिंग में प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। साथ ही इसी शॉप से हमने ब्राइडल का सेकंड डे के लिए ड्रेस लेना था और ये सारी मैक्सीज हैं, गरारा शरारा ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है इनके पास। और ये हमें दिखा रहे हैं कि मैक्सी लेनी है, पूछ रहे थे कि आपने मैक्सी लेनी है या गरारा शरारा लेना है, फ्रॉक के नीचे था गरारा शरारा, लेकिन अभी हमें बारी बारी दिखा रहे हैं तो हमने यहाँ से जी ये कलर पसंद किया है सेकंड डे के लिए ब्राइडल का। और इस पर कोरे धब्बे का काम हुआ हुआ है, ये बड़ा ही प्यारा डिसेंट सी लुक थी, स्ट्रेस की फ्रॉक थी और नीचे इसका शरारा था। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कितनी फिनिशिंग है इस काम की। साथ में और भी दो तीन कलर्स में इन्होंने हमें मैक्सीज और फ्रॉक्स वगैरह दिखाई थी, लेकिन मैक्सी का जो फैशन है वो आई थिंक ओल्ड हो चुका है, तो कोई नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, तो इसलिए हमने फ़्रॉक और शरारा लिया है ब्राइडल का। और जो फर्स्ट में उन्होंने हमें दिखाया था, सेकंड में हमने वो डिसाइड किया है, सिल्वर की टोन में ये कलर आ रहा है। तो जी हमने ये ड्रेस फाइनल कर लिया, उसके बाद हमें ये काफ़ी कलर्स और काफ़ी डिज़ाइनिंग्स में ये चीज़ें दिखा रहे थे, जो एक दफ़ा हमने सेलेक्ट कर लिया था वो हमारा हो चुका था। मैक्सी भी फाइनल हो गई और ब्राइडल के एक ड्रेस के साथ हमें सेट मैच करना था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेट थे, स्टोन लगे हुए थे उनको, लेकिन कोई भी साथ में मैच नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और अब हम दूसरी शॉप पर आए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सेट्स हमें दिखा रहे हैं और काफ़ी प्यारे प्यारे और यूनिक किस्म के थे, ये काफ़ी एक्सपेंसिव शॉप है, रेट इनके बहुत हाई थे, लेकिन हमें यहाँ से ब्राइडल का एक सेट पसंद आ गया है और हमने वो फाइनल कर लिया है। और यहाँ पर बाजी जो है वो मेटल की चूड़ियाँ अपने लिए देख रही थी और जो सेट फाइनल किया था साथ में बैंगल्स, उसकी प्राइस हमें शॉप वाले ने 14,500 में बताई थी, लेकिन हमने बारगेनिंग करके 5,500 में ये सारी चीज़ें हमने परचेज़ की थी। अब लास्ट शॉप पर हम लोग आए हैं, यहाँ से मेंस के ड्रेस परचेज़ करने थे और मैं तो एक साइड पर आराम से बैठ गई हूँ क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं एक साइड पर बैठ गई हूँ यहाँ से, बाकी सब जो है वो ड्रेस फाइनल करेंगे। और इसके बाद जी ड्रेस फाइनल हो गए हैं जी और हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। और रस्ते में ये काफ़ी ब्रांड्स की शॉप हैं तो उसमें अभी हमने जूते वगैरह लेने थे लेकिन काफ़ी लेट हो चुके थे और काफ़ी थक गई थी मैं। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। अब के दौर में तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स की शॉप हैं, बहुत ज़्यादा ही वैरायटीज़ हैं चीज़ों की,
और जी अब शाम हो गई है, तो अब हम बस जा रहे हैं रेस्टोरेंट की बजाय हम बेकरी में जाएंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हम जा आए हैं जी अजवा बेकरी पे, और हम यहाँ पर अंदर जा के देखते हैं कि क्या कुछ खाने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं और यहाँ पर डिसाइड करने लगे हैं जी कि हमने क्या मंगवाना है। और हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर जिंगर पराठा रोल और साथ में फ्राइज़ ऑर्डर की हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हम यहाँ पर बैठ कर वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा पड़ गया। बाय, हमारा मील आ गया है, साथ फ्राइज़ विद कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में है पराठा रोल। अब हम इसको इंजॉय करेंगे, उसके बाद हमने घर के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेकर जानी है, फिर हम वो डिसाइड करते हैं। घर लेके जाने के लिए यहाँ से हम लोग रशियन सैलड को पैक करवा रहे हैं, और साथ में मैं लूँगी कुछ पेस्ट्रीज़ या डोनट्स, उनमें से कुछ सेलेक्ट करूँगी। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग या नई रेसिपी के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपके लिए मैं व्लॉग लेकर आऊँ या रेसिपीज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग या रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।